इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बिजली सब्सिडी में अनियमितता की जांच के आदेश दिए गए हैं और इसी के चलते केजरीवाल सरकार के खिलाफ एलजी ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें जांच के आदेश दिए गए हैं और इतना ही नहीं, 7 दिन में रिपोर्ट भी देनी होगी एलजी को। पुलकित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुलकित, अपडेट चाहेंगे, एलजी ने नई चिट्ठी लिखी है, मुख्य सचिव को लिखी गई है बिजली विभाग के, क्या कुछ इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है? देखिए, इसमें ये कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी इस बात की जांच करें और 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दें कि दिल्ली के अंदर जो सब्सिडी दी जाती है क्या उसके अंदर कोई धांधली हो रही है। एलजी की तरफ से जो लेटर भेजा गया है उसमें ये कहा गया है कि उन्हें लगातार इस बात की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद में अब उन्होंने इस बात की इंक्वायरी के लिए कहा है। असल में दिल्ली के अंदर जो सब्सिडी दी जाती है उसका पैसा सीधा कंपनियों को दिया जाता है। उस लेटर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जैसे एलपीजी की सब्सिडी मिलती है तो वो सीधा पैसा अकाउंट में, उन ग्राहकों के अकाउंट में क्यों नहीं जाता। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है इस लेटर के अंदर कि दिल्ली में जो कंपनियां पावर सप्लाई कर रही हैं उसमें एक कंपनी है जिसके ऊपर करीब 21,000 करोड़ रुपए का बकाया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे फर्दर बिजनेस दिया जा रहा है। वहीं जो दूसरी कंपनी है जो टाटा की है वो लगातार अपने ड्यूज क्लियर करती जा रही है। तो सवाल उपराज्यपाल की तरफ से दोनों कंपनियों के साथ साथ दिल्ली सरकार पर उठाए गए हैं और कंप्लेन का जिक्र करते हुए 7 दिन में चीफ सेक्रेटरी से इस पर रिपोर्ट मांगी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पुलकित, और इस जानकारी के लिए भी।